मैं इतना ही बोलूंगा, मनोज बाजपेयी अगर नेटफ्लिक्स के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी है तो प्राइम वीडियो के बाद मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी से एक्टर है। सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनर, मैं हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे द फैमिली मैन के बारे में। तो क्या ये वेब सीरीज आप लोगों को देखनी चाहिए या नहीं, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें। तो बात करते हैं इस वेब सीरीज की। इस वेब सीरीज में हमें नजर आते हैं मनोज बाजपेयी, प्रिया मणि, शरद केलकर, दलीप ताहिल और गुलपराग, और इसे डायरेक्ट किया है राज और डीके ने। बेसिकली इसकी कहानी की बात करें तो कहानी यही है जो हमने बॉलीवुड की काफी फिल्मों में देखा था, स्लीपर सेल से हुई पाकिस्तानी के आतंकवादी, और पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे भारत देश के खिलाफ जो प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, किस तरीके से हमारे देश को बर्बाद करने की जो लोग जो उनकी इरादे होते बस वही सब है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया उसकी दाद देनी पड़ेगी। कहानी बिल्कुल पुरानी है लेकिन एक नए तरीके से, एक नए कैमरे एंगल से, और बताने का तरीका बहुत अच्छा था, और दो चार जो इसमें ट्विस्ट है ट्विस्ट देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा इसमें दो ऐसी चीज बताई गई है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हिम्मत लगती है। जैसे कि हम हमेशा न्यूज में देखते हैं कि जब भी कोई मुस्लिम मरता तो उसे टेररिस्ट बता देंगे, यंग स्टूडेंट होते तो उसको टेररिस्ट का नाम ले लेते, मगर यहाँ पर एक चीज क्लियर की गई कि वो लोग हमेशा टेररिस्ट नहीं होते जो मुस्लिम मरते। अब वो क्या होता है ये सब आप इस वेब सीरीज में देखेंगे। दूसरी बात इसमें ये अच्छी बताई है कि कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट्स है, जितनी भी आम पब्लिक है, तो वहां के कुछ लोगों की वजह से या पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से वो पूरे के पूरे कश्मीर को जो सिचुएशन फेस करनी पड़ती है ना, कि जब भी कुछ कश्मीर में हादसा हो जाता तो उस वजह से पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू लगने के बाद वहां के जितने भी काम है सब ठंडे पड़ जाते, मतलब बंद हो जाते। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर के जो आम पब्लिक है जो कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, ये इस वेब सीरीज ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और उसके अलावा मनोज बाजपेयी ने जो इसमें श्रीकांत तिवारी एनआईए के जो ऑफिसर है उसका रोल प्ले किया। मैं इतना ही बोलूंगा मनोज बाजपेयी अगर नेटफ्लिक्स के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी है तो प्राइम वीडियो के बाद मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी से एक्टर है। एक सिंपल सी पुरानी कहानी को मनोज बाजपेयी ने अपने परफॉर्मेंस से जो जान डाली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। एकदम मतलब ये वेब सीरीज सिर्फ और सिर्फ मनोज बाजपेयी के परफॉर्मेंस और इसके डायरेक्शन के ऊपर ही बेस है, मतलब उसी पर टिकी हुई है। उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नया देखने नहीं मिलता जो आपने इससे पहले देखा नहीं था। और उसके अलावा जिस तरीके से वो अपनी पर्सनल लाइफ में, यानी कि उनकी वाइफ का रोल प्ले कर, यहाँ प्रिया मणि और उनके दो बच्चे रहते, तो किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, वो खुद को एक लूजर मानते कि वो अपनी फैमिली को नहीं देख पाते, और वो एक मिशन भी उनसे फेल हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ही पछताते हैं। वो गलती क्या है वो आप ये वेब सीरीज में देख सकते हो। तो कुल मिला के मनोज बाजपेयी ने इतने इस वेब सीरीज को जिंदा किया है, मतलब होता है इस कहानी को बहुत ही शानदार। उसके अलावा प्रिया मणि ने एक ऐसी वाइफ का रोल प्ले जिसका हस्बैंड उस पर मतलब एक हिसाब से फोकस नहीं पाता, टाइम नहीं दे पाता, तो उसका ध्यान अपने ही एक कलीग जो रोल प्ले किया शरद केलकर तो उसकी तरफ जाता है। और कई कई सीन में हमें ऐसा लगता है कि यार ये अपने हस्बैंड को धोखा दे देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फाइनली एक इंडियन जो लेडी होती है वो अपने हस्बैंड को कभी चीट नहीं करती, जो अपने हस्बैंड से अपनी फैमिली सच्चे दिल से प्यार करती है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया। तो कुल मिला के वेब सीरीज ने मुझे पर्सनली दिल जीता है, मुझे अच्छा लगी वेब सीरीज। और 10 एपिसोड होने के बावजूद, लेंथी एपिसोड होने के बावजूद भी मुझे इस वेब सीरीज से कोई शिकायत नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये वन टाइम जरूर देखनी चाहिए मनोज बाजपेयी के फैन को, और इसका एक मतलब एक नॉर्मल सी कहानी जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है, लेकिन फिर भी एक नए तरीके से, एक अच्छे तरीके से बताने के लिए, ताकि एंगेजिंग स्टोरी समझ लो आप इंगेज होगा, मतलब हर एक एपिसोड आपको देखने की इच्छा होगी, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे डायरेक्शन हो, बैकग्राउंड स्कोर हो। और कश्मीर के बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस ड्रोन शॉट लिए गए, बहुत ही शानदार, मतलब पांचवें एपिसोड के बाद आपको कश्मीर के लास्ट तक आपको कश्मीर के एक नए, मतलब जिस तरीके से ड्रोन शूटिंग की गई ना, मुझे ऐसा लगता है कश्मीर हमारे इंडिया का ताज है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। लाजवाब सीन से जो कश्मीर के इसमें लिए गए बहुत अच्छा है। तो यार मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज देखनी चाहिए। हाँ ये चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई एक मेन विलन नहीं बताया गया, ना बता तो जाते जाते कि इस वेब सीरीज का सीजन 2 जरूर आएगा। वो क्यों आएगा आप लोग ये वेब सीरीज देखोगे तो खुद समझ जाओगे, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 2 देखने के लिए, क्योंकि सीजन 2 में हमें क्या हटके अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि कहानी वही कंटिन्यू होने वाली, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी कंटिन्यू होगी, और शायद और ज्यादा एक्शन और कुछ ज्यादा और ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेगा। तो यार मुझे तो पर्सनली ये वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी, अगर आपको देखना तो आप इसे अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हो। उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे जाइए, वहां पे आपको मैं कोशिश करूंगा इसके लिंक देने की, जहां पे आप फ्री से देख सको। तो यार मैं इस वीडियो से आप लोगों से अलविदा कहता हूं, लेकिन जाने से पहले इतना बोलूंगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मैं भी हूं आपसे कल किस नए वीडियो का। टिल देन बाय।